हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आप सबके लिए फिर से मैं एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। मेरे साथ है ऋषभ जैन, एंड ऋषभ ने अभी रिसेंटली सीएमए क्वालिफाइड किया है। प्लस इनके पास 6 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है विथ सीएमए क्वालिफिकेशन। तो ये वन ऑफ द बिग अचीवमेंट किसी भी लाइफ में हो सकता है कि आपने कम एज में सीएमए भी क्वालिफाई किया है, प्लस आपके पास काफ़ी सारा एक्सपोजर भी है। तो आखिर ऋषभ ने क्या किया, कैसे किया, वो सारा कुछ हम बात करेंगे। प्लस ऋषभ का कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ है, तो वो सारी चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा आपको सीएमए एग्जाम को क्रैक करने में। सो हाय ऋषभ, हाउ आर यू? आई एम रियली फाइन सर, आप कैसे हो? एंड वेलकम ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स टू दिस सेशन। या थैंक्स ऋषभ फॉर आस्किंग मी। मैं बहुत अच्छा हूँ, एंड होप सो कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को आफ्टर क्वालिफाइंग सीएम। आखिर लाइक हर किसी का एक ड्रीम होता है जो भी स्टूडेंट सीएम में ज्वाइन करता है कि मैं बहुत जल्द सीएम में क्वालिफाई करूँ। और होप सो कि आपकी ड्रीम भी कंप्लीट हुई, प्लस आपको आपके फर्स्ट एब्सोल्युटली जॉब भी सर, मिली कैंपस में। सो इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस कि मतलब कैंपस से जॉब मिलना, क्वालिफाई करना, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम एक्सपीरियंस। राइट राइट। अच्छा ऋषभ, जब आपको लाइक कैंपस में सिलेक्शन हुआ एंड उसके बाद लाइक आपने ऑलरेडी मेरे मेंटरशिप ज्वाइन की थी, तो लाइक आपको उसका एक्सपोजर कैसा लगा? लाइक जो आपने मेरे साथ ट्रेनिंग 1-1.5 महीना हमने साथ में टाइम स्पेंड किया। सर उसका बहुत सारे बेनिफिट हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा जीडी बहुत वीक था, तो डेली जीडी सेशंस हुए, जिससे क्या हुआ कि जीडी स्ट्रांग हो पाया, नए करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, कौन से करंट अफेयर्स चल रहे हैं मार्केट में, प्लस अपने जो टोन होती है बोलने का, एक आई कॉन्टेक्ट होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। कि जैसे जब एक चीज आप रोज रोज करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे, जीडी अब एक डरावनी चीज नहीं लगेगी। बट अगर आप फर्स्ट टाइम जीडी देने जाओ विदाउट प्रिपरेशन तो ये लगेगा कि बहुत बड़ी चीज है। बट अगर आप डेली करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे, तो क्रैक करने में बहुत ईजी हो जाता है। ग्रेट ग्रेट। और जो मेरे नोट्स थे वो कैसे थे? नोट सर बहुत बढ़िया थे, आपने एआई की हेल्प से बनाए थे, एआई को इम्प्लीमेंट किया था उसमें। एंड अदर थिंग इसमें जो था काफी क्रिस्प में था, ऐसा नहीं चीजें बहुत घुमा घुमा के लिखी हुई है, खाली वर्ड्स बनाए हुए हैं, जो था डेटा क्रिस्प था। क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम लोग खाली पोएट्री की तरह या लिटरेचर की तरह पढ़ते जाए, डेटा हमें पॉइंटर्स में चाहिए और वो चाहिए कि हमारा काम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और समझ में आए चीजें। तो उसमें आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल थे, चाहे वो रॉक फॉर इंटरव्यू बुक हो या फिर अदर बुक्स हो, जैसे कि आपने उसकी धनवेदा दी थी, या फिर आपने जो अकाउंट्स के नोट्स बनाए थे, कॉस्टिंग के नोट्स बनाए थे, क्वेश्चन आंसर्स बनाए थे, तो वो बहुत हेल्पफुल थे इन सब चीज़ों में। ग्रेट ग्रेट, थैंक्स। सो ऋषभ, स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी। लाइक आपने सीएमए कब ज्वाइन किया था, कौन किस ईयर में आपने सीएमए ज्वाइन किया था? एक्चुअली सर मैंने सीएमए 2019 में ज्वाइन करा था। आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट इन अ कंपनी, तो वहां मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे कहा कि ऋषभ तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर मेरा ऐसा कोई गोल नहीं है, अभी ग्रेजुएशन चल रही है, ग्रेजुएशन करके कहीं भी एमएनसी में लग जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ऐसे मत करो, तुम ऐसा करो सीएमए में आ जाओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जो है आर्टिकलशिप वाला पीरियड नहीं है। एज मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, तो उन्होंने कहा कि उसकी टेंशन नहीं होगी तुम्हें, कि तुम्हें आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड पे काम करना पड़ेगा, जॉब एक्सपीरियंस से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ही मोटिवेटेड मी कि नहीं तुम करो, एंड देन मैंने फिर सीएमए ज्वाइन किया एंड क्वालिफाई कर लिया। ओके अच्छा, आपने बीकॉम से पहले आपने ऑलरेडी जॉब स्टार्ट कर दिया था? यस सर, मैंने आफ्टर 12th जॉब स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो लाइक आफ्टर 12th, यानी आप किस ईयर से आपने जॉब स्टार्ट किया? 2016 से सर, 16 से आप ऑलरेडी वर्किंग हो। हाँ 16 में मेरी 12th क्लियर हुई थी मार्च में, एंड अक्टूबर से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। ग्रेट ग्रेट। और लाइक मतलब इतने कम एज में जॉब स्टार्ट करने का लाइक कोई इंस्पिरेशन था, या फिर कुछ लाइक हाँ प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम एक्चुअली था? सर दोनों ही कह सकते हो आप। मतलब मुझे ये नहीं था कि कॉलेज में जाना है, घूमने घामने था मेरा मन नहीं था कभी। मेरा ये था कि अगर अभी से ही मैं कुछ वर्कफुल करूंगा तो मेरी फैमिली के लिए भी बेनिफिट रहेगा, एंड मेरे एज अ पर्सनल के लिए भी बेनिफिट रहेगा। लाइफ है, एंजॉय करनी है, बट अगर अभी हम लोग स्ट्रगल कर लेंगे तो आगे पूरी लाइफ एंजॉयबल है, बट अगर अभी ही एंजॉयमेंट में लग गए तो फिर आगे स्ट्रगल है। तो चॉइस मेरी थी। राइट राइट राइट। अच्छा, जब आपने बीकॉम के साथ साथ आपको जब पता चला सीएमए कोर्स के बारे में और फिर आपने इनरोल किया, तो लाइक हाँ सर, इनिशियल स्टेज में कुछ चैलेंजेस आए थे जब आप इंटरमीडिएट के लिए आप गए थे? बिकॉज बीकॉम एंड सीएमए बोथ आर डिफरेंट, लाइक दोनों के लेबल्स अलग तरीके हाँ से हैं। तो बहुत सर। बीकॉम में अगर आप कोरेस्पॉन्डेंट से कर रहे हो तो आई थिंक सब लोग जानते हैं कि लोग कोई ज्यादा पढ़ता नहीं है, एंड सेम गोज विद मी। बट आफ्टर कमिंग टू सीएमए मैंने बुक्स देखी, तो मैंने सोचा पहले पार्टनरशिप चैप्टर करूंगा, बट बीकॉम का लेवल एंड सीएमए का लेवल क्वेश्चन देख के ही समझ नहीं आया मुझे फर्स्ट डे। तो देन मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पे वीडियो सर्च करे, अलग अलग मेंटर्स के वीडियो देखे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा गाइड करा। तो ऐसे कर करके मैंने क्या करा, 11th और 12th को मुझे पूरा फिर से पढ़ना पड़ा, जस्ट बिकॉज मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैंने यही गाइड करूंगा कि इनके साथ के बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं है, तो एक बार आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि उससे चीजें आगे बहुत ईजी हो जाती है। तो
तो इट्स अ डेली टफ कोर्स, बट अगर आप एक बार अपने लगन से लग जाओगे ना तो चीजें हाथ सिंपल होती जाती है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डॉट टू डॉट कनेक्ट होता है। एट फर्स्ट आपको लगेगा कि बहुत सारा सिलेबस है, इतनी सारी बुक्स है, 500-500 पेज की बुक्स है इंस्टीट्यूट की, बट जब पढ़ने बैठोगे ना तो वो कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक कि मतलब एक होता है ना कि वो हवा बना रखा है कि बहुत सारा है बहुत सारा है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका मन लगेगा तो आप ऑटोमेटिक डॉट कनेक्ट करोगे एंड जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर ही वर्क करोगे आप उस पे। हाँ हाँ, वो एक्चुअली एक बार इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर 4 घंटे की मूवी भी लोग आराम से देख लेते हैं, तो ये तो पूरे हो बिल्कुल, गया। अभी और रिसेंटली जो 3-3 आवर्स की मूवी आ रही है और लोग इतना मजे से देख रहे हैं। या तो ये तो पढ़ाई है, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही। मैं आज भी पढ़ाई मतलब डेली कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव, लेकिन कुछ ना कुछ मैं हाँ 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई पे टाइम जरूर देता हूँ, तो ये अपना इंटरेस्ट है। हाँ ये तो सर लाइफ जो है ऐसा नहीं है कि हम लोग सीएमए बन गए तो वहीं खत्म हो गई। आप और मैं सीएमए बन गए तो मतलब ये नहीं कि लर्निंग खत्म हो गई, लर्निंग तो बहुत जगह है, अलग अलग फील्ड में है। सीएमए में भी इतनी लर्निंग है कि अभी क्या हम लोग अगर पूरी लाइफ टाइम पढ़े तब भी क्लियर नहीं कर सकते उसे। ये तो है। और अच्छा, आपने जब इंटरमीडिएट का पेपर अपना अटेम्प्ट किया तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था ग्रुप 1 ग्रुप 2, या फिर हाँ उसमें सर आपको चैलेंजेस आए थे? दोनों, सर दोनों ग्रुप सेम अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे सर। ओके, मतलब आपने वन शॉट आपने इंटरमीडिएट एक एक हाँ आपने, अच्छा सिंगल वन सिंगल दिया था या बोथ ग्रुप दिया था आपने? बोथ ग्रुप दिया था सर इंटर में। ओके, अच्छा तो बोथ ग्रुप एक्चुअली विद आप कोविड और पीरियड आ गया था इंडिया। तो इस वजह से क्या था मुझे जून 20 अटेम्प्ट देना था सिंगल ग्रुप में, बट वो पोस्टपोन होता गया था, फिर मैंने इसलिए दोनों ग्रुप साथ में दे दिए थे। पूरा 2020 मैंने पढ़ाई ही करी थी क्योंकि कोविड था, एग्जाम्स हो नहीं रहे थे, तो जनवरी 21 में जब एग्जाम्स हुए तब मैंने दिया था। तो उस समय फिर आप वर्किंग थे या फिर आपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया था कोविड के वजह से? सर वर्किंग था बट 1-2 महीने मेरे ऑफिस बंद रहा था बिकॉज मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम था, तो वहाँ पे कोविड में तो कुछ हो ही नहीं सकता, ना लैपटॉप ना ऑनलाइन कुछ काम था, तो बस मुझे 1-2 महीने मिले थे वर्क फ्रॉम, मतलब कुछ भी नहीं, बाकी पूरा टाइम मैंने ऑफिस से टाइम निकाल निकाल के पढ़ाई करी है। और छुट्टियां भी एग्जाम्स वाले दिन ही मिलती थी मुझे, ऐसा नहीं था कि आप 1-2 महीने पहले ले सकते हो, ओनली एग्जाम वाले डे की छुट्टी। ओके ओके, सो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क था कि आपको सिर्फ एग्जाम, तो आप बहुत रिवीजन कैसे करते थे आप? सर, उसके लिए मैंने क्या कर रहा था, जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो मैं अपने साथ एक रफ कॉपी रखता था, तो उसमें पॉइंटर्स बना लेता था या इंपॉर्टेंट चीजें मैं टिक कर लेता था। फर्स्ट गो में मैं गया तो मैंने एक बार पूरा रीड कर लिया एंड इंपॉर्टेंट चीजें रख ली साइड में। सेकेंड गो में उन इंपॉर्टेंट चीजों में से और इंपॉर्टेंट चीजें रख ली। एंड थर्ड गो में मैं वो पॉइंट रखता था जो मुझे याद नहीं रहते थे, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्मूला हो गया, कोई कॉन्सेप्ट हो गया जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो मैं जब रिविजन करता था तो मैं उन्हीं चीजों का करता था। एंड एग्जाम के पहले मैं एक फुल शॉर्ट रिविजन देख के एंड जो मेरा डाउट वाली चीजें थी वो देख लेता था। तो इस वे में क्या होगा कि आपको बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, जो चीजें आपको आती है आप उन्हें बार बार पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा जो नहीं आती उसमें वो टाइम दोगे। सो लाइक रिसब, यू आर इंस्पिरेशन फॉर मेनी सीएमए स्टूडेंट्स। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हम जॉब कर रहे हैं, हम कैसे सीएमए कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ एक दिन का छुट्टी मिलता था एग्जाम के लिए और फिर भी आपने बोथ ग्रुप इंटरमीडिएट का आपने क्रैक किया, वन ऑफ द बिग अचीवमेंट। एंड लाइक मैं बहुत इंस्पायर हुआ इस स्टोरी से। अच्छा, देन फिर आपके थैंक यू लिए सो मच सर। फाइनल भी आपके सामने था और फाइनल इंटर से भी डिफिकल्ट था, राइट? और आप ऑलरेडी आपने एग्जैक्टली ट्रेनिंग पे सर। इतना काम कर लिया था, तो आपने डायरेक्टली हाँ एग्जेम्पशन क्लेम किया होगा, राइट, फाइनल के लिए? यस सर, मैंने कोई ट्रेनिंग या सीए के अंडर सीएमए के अंडर काम नहीं करा, अपने जॉब एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैंने एग्जेम्पशन क्लेम करी थी T3 भर के। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पहले मैं किसी सीएमए फॉर्म में जाऊं या फिर सीए फॉर्म में जाऊं, फिर कॉर्पोरेट में जाऊंगा, मुझे अभी कुछ आता नहीं है। आपके सामने क्लास 12 के बाद ऋषभ ने डायरेक्टली कॉर्पोरेट में इंटर किया और अभी तक कॉर्पोरेट में ही है, कभी फॉर्म गया हाँ ही नहीं। फर्म कभी नहीं गया सर, कॉपरेट में चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉपरेट इन सब में काम चल रहा है अपना। अच्छा, इसमें फिर आपने मल्टीपल जॉब्स भी चेंजेस किए या फिर एक ही कंपनी में आप कंटिन्यू थे? टू जॉब थी सर एक्चुअली, मैंने 2016 से 19 तक एक जॉब करी है एंड 19 से लेके अभी कैंपस तक एक जॉब करी है। थ्रू ओके, ग्रेट आउट मैंने 6 ईयर्स अपने दो ही जॉब रखी है। ग्रेट ग्रेट। आप में एक और अच्छी बात है, आपने 3 साल एक कंपनी में दिया, ये मतलब अच्छी बात है। अच्छा, फिर आप जब फाइनल में आप अपने पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो उस समय फिर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रह रही थी? आप किस तरीके से आपने लीव अपने मेंटेन किया था या फिर आपने कैसे किया फाइनल, बोथ ग्रुप के साथ गए थे या एक्चुअली सिंगल सिंगल सिंगल? सिंगल सिंगल दिया था क्योंकि मुझे लीव का वही सेम सीन था कि एग्जाम के 1 दिन पहले ही मिलेगी, बट ये था कि वो लोग मुझे हाफ डेज वगैरह दे देते थे एग्जाम के 1 वीक के आसपास के, मतलब हाफ डे आप आके हाफ डे में आप जा सकते हो, बट स्टिल आना जाना तो वही बात हो गई, कुछ ऐसा खास फर्क पड़ा नहीं था उससे। तो मैंने अपनी ही वही जो आपको स्ट्रेटेजी बताई थी इंटर वाली वही मैंने फॉलो करी थी।
मैंने क्या करा, इस बार सबकी कॉन्सेप्ट बुक ली, जितने सब्जेक्ट थे सबकी कॉन्सेप्ट बुक परचेज करी एंड समरी चार्ट्स परचेज करे। तो उनसे क्या हुआ कि जो मेरी नोट्स बनाने की मेहनत थी वो बच गई। देन मैंने वही करा, उनमें से जो काम की चीजें नहीं लगी थी मुझे या एक बार में डिटेल खत्म हो गई उन्हें काट दो। आप ये मत सोचो मेरी नई बुक क्या खराब हो जाएगी, मैं उस पर पेन चला दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा। कई लोग संभाल के रखते हैं बुक को बहुत ज्यादा, वो मत सोचो उसको नहीं। आप ये सोचो कि आपको नहीं पढ़ना उसे, फिर से खत्म करके साइड में रख देना है। वो मेंटेलिटी के साथ जाओ और जो आपको पसंद आए काट दो, कुछ भी कर दो, जिससे कि ये होगा कि आपको वो नहीं पढ़ना। क्योंकि समरी बुक से कॉन्सेप्ट बुक्स में भी कई चीजें बहुत बार रिपीटेड होती है, या बहुत चीजें ऐसी होती है जो आप अपना एक्सपोजर पहले ही ले चुके होते हो एंड देन उसे बार बार पढ़ के आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। तो आई थिंक जो मेन फोकस है उन चीजों पे दो जो आपको नहीं आती है, चैलेंजिंग लगती है। राइट जैसे कुछ याद करना है तो आप क्या कर सकते हो, मैं क्या करता था, जैसे मुझे ट्रैवलिंग का था, ट्रैवल करना पड़ता था, तो मैं क्या करता था अपनी खुद की ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता था उन कॉन्सेप्ट के जो मुझे समझ नहीं आते थे, लाइक मैंने पढ़ा उनको रिकॉर्ड कर लिया। अब ऑटो में बैठा हूँ मैं, बुक्स वगैरह नहीं खोल सकता, तो ईयरफोन से थ्रू मैं उन्हें सुनता रहता था अपने वॉइस नोट्स को, ग्रेट जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आते थे 10-10, 15-15 मिनट्स के मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता था। ग्रेट उससे क्या होता था मेरा ट्रैवलिंग टाइम यूज हो जाता था। अच्छा ग्रेट अच्छा एंड अब मेट्रो में हो, अब बुक्स वगैरह खोलना कई बार मुश्किल हो जाता है बहुत भीड़ में, हाँ तो ये तो इसलिए बेटर यह कि ऑडियो नोट्स अगर रहो तो वो बेटर है कि आपको कुछ ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। अच्छा ऋषभ, आपने लाइक जॉब के साथ ये सारी चीजें मैनेज की, कभी आपको लाइफ में ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे लाइक पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा, मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए, या फिर आपने लाइक इसको एज ए चैलेंज लिया अपने लाइफ में? दोनों कह सकते हैं सर, आई विल बी फ्रैंक, मतलब मेरी फैमिली सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो लाइक कि मेरे पास वे भी नहीं था, इस वजह से मेरे लिए चैलेंज भी बन गया। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता या आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता तो आप उसी चीज को बहुत अच्छा करने की ट्राई करते हो, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया। से एज अ करेक्टर भी मेरी बहुत ग्रोथ हुई है, कि अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं भागता उस चैलेंज से, बट हाँ नहीं था तो मैंने तो फेस करा एंड एक नई विक्ट्री ली है, कॉन्कर किया अपने आप को। सो लाइक जब आपने फाइनल में सिंगल सिंगल ग्रुप दिया एंड आपका फाइनल क्लियर भी हुआ, सो उस दिन जब आपका हाँ फाइनली आपका रिजल्ट आया था, इस बार 26 सितंबर मॉर्निंग में रिजल्ट आई थी, तो उस समय आपकी यस फीलिंग सर, कैसी थी? अनएक्सप्लेनेबल है। मतलब लास्ट टाइम मेरा एक्चुअली मेरा एक अटेम्प्ट लगा है ग्रुप 4 में, तो उस टाइम लोगों के मायूस चेहरे, फैमिली मेंबर्स के मायूस चेहरे देखे थे मैंने, बट अब जब मैंने उन्हें बताया कि आई हैव क्लियर, तो सब इतने खुश थे, मैं इतना खुश था, मतलब लाइफ वॉज लाइक कि मैं हेवन में आ गया हूँ ऐसा लग रहा था। क्योंकि ये चीज ऐसी थी कि मैंने इंटर से, यानी 2019 से मैं देखता आया था ये सपना कि मैं क्लियर करूंगा क्लियर करूंगा, तो 23 में आके फाइनली ये रियलाइज हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आई हैव बीन टोल्ड मेरे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं थे कि ये लड़का नहीं कर सकता, मैं सीए करने का मन था मेरे 12th में, बट एवरीवन टोल्ड मी कि तेरे बस की नहीं है। तो इट वॉज लाइक कि देखो मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बोला कि ये नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। आई हैव अचीव्ड अ कोर्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू सीए, राइट एंड मैंने सबसे पहले उन्हीं को फोन करके बताया कि हाँ मैं सीएमए बन गया हूँ। ये सबसे अच्छी बात है। इनफैक्ट देखो मेरे साथ भी ऐसा ही था, मेरे भी काफी सारे रिलेटिव थे, उन्होंने यही बोला कि तुमसे नहीं होने वाला है सीएमए, सॉरी सीए, तुम सीएस करो। बट फिर मुझे बीच का कोई ऑप्शन दिखा, लाइक क्योंकि मैं थ्योरी में इतना स्ट्रांग नहीं था, तो मुझे प्रैक्टिकल ही देखना था, तो मुझे फिर सीए में काफी अच्छा स्कोप लगा। लाइक उस समय मैंने ये नहीं देखा कि यार मुझे जॉब क्या मिलेगी, बस मैंने ये देखा मेरा कोर्स कंटेंट अच्छा है, मैंने ज्वाइन कर लिया। और आज देखो सर आप इतने सक्सेसफुल हो क्योंकि आपने ट्रस्ट किया खुद, क्या आपने खुद पे ट्रस्ट किया और आपने कोर्स पे ट्रस्ट किया, तभी आप सक्सेसफुल हो आज। अगर आप एफ और बट में जाते तो आप शायद नहीं भी एनरोल करते इस कोर्स में, बट हाँ आपने एक ट्रस्ट दिखाया तो आज अच्छा हो रहा है। यार डेफिनेटली। सो लाइक अच्छा आपको आपके रिजल्ट का कैसे मालूम चला कि आपके रिजल्ट आ गए ये इतनी मॉर्निंग? एक्चुअली मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, सीएमए ग्रुप, फाइनल ग्रुप थे, तो बहुत सारे अच्छा ग्रुप थे अच्छा व्हाट्सएप पे, तो उसी में ये लिंक आ गया था सुबह, शायद अर्ली मॉर्निंग ही आ गया था, 6-7 बजे के आसपास या 7-8 बजे के आसपास कुछ आ गया था लिंक, तो तभी मैंने देखा था और तभी मैंने देखा कि हाँ आई हैव क्लियर्ड द सीएमए। ओके अच्छा उसके बाद आपने मेरे को कब और कैसे आपने मेरे कोर्स में आपने एनरोल किया था, आपको कैसे पता चला था? एक्चुअली सर मैंने तभी लिंक्डइन स्टार्ट करा था सीएमए क्लियर करने के बाद, उसके पहले पढ़ाई में ही पूरा टाइम कंज्यूम हो जाता था, तो मैंने एक दिन आपकी पोस्ट देखी थी एंड कई लोगों ने रिकमेंड भी करा था कि अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो एक बार आप इनका कोर्स ट्राई करो, एंड ये काफी अच्छा फीडबैक था आपका, तो मैंने तब आपसे बात भी करी थी, तो मैंने एंड्रॉइड के थ्रू लिया था, आपको याद भी होगा कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करा था कि आपका कोर्स चाहिए था मुझे, तो आपने मुझे बताया था कि उसमें आप फीचर्स दोगे ये, एंड उसी हिसाब से फिर मैंने एनरोल करा था, तो मुझे लिंक्डइन के थ्रू पता चला था मेनली आपके कोर्स के बारे में।
अच्छा, जो मैंने प्रॉमिस किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और जो मैंने डिलीवर किया उसमें कुछ कमी था? कमी नहीं सर, अच्छा था। बल्कि आपने जो कहा, अगर आपने 90 बोला तो आपने 120 दिया, मैं तो ये कहूंगा। आपने जो था बहुत हम्बली बताया था, बट कोर्स कंटेंट वाज रियली गुड एंड एफर्ट्स वर मार्वेलस। तो थैंक्स, ग्रेट। सो लाइक आपका कैंपस सिलेक्शन भी हुआ एंड राइट नाउ यू आर ऑलरेडी स्टार्टेड योर जॉब। सो लाइक यस आपको सर, कैसा फील हो रहा है? लाइक होता है ना कि हर किसी का एक ड्रीम होता है कि उसका कैंपस हो। एंड मैं ये नहीं कह, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ की इससे बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी आपके लाइफ में आने वाली है, बट हाँ ये फर्स्ट अचीवमेंट होता है आफ्टर क्वालिफाइंग हाँ सीएमए। तो आपको कैसा फील हुआ व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट सर, ये ऑफर? बहुत, जिस कंपनी में मेरा इंटरव्यू था उसमें 60 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करा था फॉर GD, एंड उसमें से उसने हर, यस सर, 6060, एंड 10-10 का ग्रुप था जिसमें से दो दो तीन तीन लोग सिलेक्ट हो रहे थे। तो जब दे सिलेक्टेड मी आफ्टर द GD, इट वाज अ रियली बिग अचीवमेंट, मैं कहूंगा मेरी लाइफ की फर्स्ट अचीवमेंट थी कि मैं 10 लोगों के GD में से बाहर आया। क्योंकि उसके पहले मैंने ऐसा कोई फॉर्मल इंटरव्यू या कभी कुछ नहीं दिया था, सिंपली छोटी कंपनीज में जॉब करी है तो वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं GD और ऑल दैट। तो 10 लोगों में से 3 या 4 में आना, मतलब कि 60-70% लोगों को बीट करना उस स्टेज पे, पहली अचीवमेंट वो थी। फिर इंटरव्यूज हुए तो उन्होंने 60 में से खाली 7 लोगों को हायर किया, तो उन 7ों में मैं हूँ। तो ये 60 में से 7, यानी 10% के आसपास लोगों को हायर किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं इस लेवल पे हूँ कि हाँ, मैं 10% लोगों में काउंट होता हूँ जिन्हें लोग हायर करना चाहते हैं या जिनको लोग कैपेबल समझते हैं। तो अच्छा, आपकी कौन सी कंपनी में सिलेक्शन हुई? मेरी कंपनी का नाम है मॉडलामा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 100% एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट्स को, जैसे अपना जिनियन जॉनी हो गया और कई सारे ब्रांड्स है, H&M हो गया, तो उनको ये गारमेंट्स बना के सेल करती है। अच्छा, और ये बेसिकली आपका गुड़गांव में है, राइट? उद्योग विहार आपने बताया था, यस सर, उद्योग विहार फेस 1 में। फेज 1 में। ग्रेट। सो लाइक आप दिल्ली से पास में भी हो तो आप आराम से अपने, अभी तो यस आप सर, घर से ही मतलब अपना अप डाउन कर रहे हो, बट हाँ हाँ फ्यूचर में आपके लिए भी ज़्यादा इशू नहीं रहेगा अगर आप इधर शिफ्ट भी होते हो। तो ये फाइव हाँ डेज वही वर्किंग है है या आपके अभी सिक्स पास, डेज वर्किंग है? तो 6 days वर्किंग है अभी। ओके ओके। हाँ तो मैन्युफैक्चरिंग है, जनरली 6 डेज वर्किंग ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग में नॉर्मली 6 days ही होते हैं। अगर आप कॉस्टिंग प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो आप 6 days मान के चलो, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो 6 days वर्किंग ही होते हैं। IT सेक्टर्स हो गया या फिर जो कंसल्टेंसी फर्म्स हो गई, उनमें आप 5 days एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट कोर मैन्युफैक्चरिंग में आपको 6 ही मिलेगा। ओके। सो ऋषभ, लाइक आपके जर्नी से आप स्टूडेंट्स को क्या लाइक सजेशन देना चाहते हो? बिकॉज मैं तो ऑलरेडी बहुत इंस्पायर हो गया हूँ। और मैं मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कोई स्टूडेंट लाइक 12th के बाद से उसने जॉब स्टार्ट की एंड देन जॉब के साथ सीएमए भी किया। हम सोचते हैं यार कि 2 महीने की छुट्टी चाहिए, हम 12 घंटे पढ़ते हैं फिर भी हमें कम लगता है, और आपने सब कुछ ना होते हुए भी आपने सब कुछ मैनेज भी किया, इवन आपने एग्जाम भी क्रैक किया, और आज आप मेरे सामने हो। लाइक मतलब बिल्कुल स्पीचलेस वाली मोमेंट है मेरे लिए तो। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई ऐसा बहुत ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, बट हाँ ये है कि अगर आपके पास चॉइस नहीं होती ना लाइफ में, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से इंस्पिरेशन एंड एनर्जी आती है जो आप करते हो। मतलब अगर आप, या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हो, या बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन होता है तो ये होता है कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, या 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे। बट जब आपको पता है कि आपके पास 1 या 2 घंटे ही है, तो आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ते हो। तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आपके पास बहुत सारा टाइम भी हो तो भी आप ये टारगेट बना के चलो कि मेरे पास दिन में 2 घंटे ही है पढ़ने के लिए, एंड देन आप देखना कि इन 2 घंटों में आप कितना डीप स्टडी कर पाओगे जो आप 4-5 घंटों में नहीं कर पाते हो। क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि आपके पास यही टाइम है, आपको डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कोई चॉइस ही नहीं है, ना कोई ऑप्शन है ना टाइम है। तो एक तो मेरा सजेशन यही है कि आपने, आपको छोटे छोटे टारगेट्स दो आप, और उन्हें सेलिब्रेट भी करो। ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट सोचते हैं कि जैसे जब तक मेरी 1 करोड़ की जॉब नहीं लग जाएगी, 90 लाख की जॉब नहीं लग जाएगी, तब तक मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा, तब तक मैं हैप्पी नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आज मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करा या एक सब्जेक्ट में मैंने अपना गोल कंप्लीट करा, तो इट्स ओके टू सेलिब्रेट। आप चाहे छोटा सेलिब्रेट करो, खुद को जाके एक चॉकलेट दे दो। मतलब हैप्पीनेस आप, ऐसा नहीं है कि आप CMA बनने के बाद ही ढूंढ सकते हो। ये जर्नी है, ये कोई वो नहीं है, रेस नहीं है। हर स्टेप में आप हैप्पी हो, बट ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लेदर में आ जाओ या बहुत ज्यादा आराम पे आ जाओ। अपने आपको रिवॉर्ड दो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि अगर आप खुद को रिवॉर्ड दोगे तो ये है कि आपको एक क्रेज बना रहेगा कि हाँ, इफ आई कंप्लीट द टारगेट देन मुझे, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। बट अगर आप अच्छे को पोस्टपोन करते रहोगे तो आप फेडअप हो जाओगे कि यार अच्छा तो कुछ हो ही नहीं रहा मेरे साथ। इवन नाउ मैं 6 days वर्किंग हूँ, मेरा टाइम बहुत ज्यादा है, बट आई डेली रिवॉर्ड माई सेल्फ विद एनीथिंग कि हाँ, आज तुमने ये काम पूरा करा, आज तुमने जॉब पे गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। एंड इट्स ओके टू हैव फन, इट्स ओके टू गेट अ रिवॉर्ड फॉर दिस।
तो ये है कि हाँ, खुद को हैप्पी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो बहुत फेड अप हो चुके हैं, बहुत नर्वस हो चुके हैं इन सब चीजों से, लाइक सीएमए क्लियर नहीं हो रहा, जॉब में फ्रस्ट्रेट होना। तो इट्स लाइक अ विजन कि आपका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है। आप चाहो तो लाइफ को एक बहुत बड़ा बर्डन की तरह भी देख सकते हो कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं इतना लंबा जॉब कर रहा हूँ या सीएमए क्लियर नहीं हो रहा, या फिर आप चाहो तो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो कि अच्छा, जैसे मेरे साथ, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा ग्रुप 4 में सीएफआर की वजह से रह गया था। एट फर्स्ट एक दो दिन तक तो मैं भी बड़ा डिप्रेस रहा यार, रह गया, खाली सीएफआर नहीं होता, सीएफआर क्लियर हो जाता सब हो जाता। बट देन मैंने सीएफआर को फिर से पढ़ा तो मुझे पता चला कि मुझे सीएफआर का कुछ भी नहीं आता था। मैंने जो पढ़ा था, मुझे पता नहीं मैंने क्या पढ़ा था, बट जब मैं फिर से उसे पढ़ने बैठा तो एक नए पॉइंट ऑफ व्यू दिखा मुझे, चीजों के बारे में और अच्छे से पता चला। एंड वो मेरे जॉब इंटरव्यू में भी काम आया, जो चीजें मैंने दोबारा पढ़ी थी वो मुझे जॉब इंटरव्यू में भी पूछी गई थी, तो मैंने उन्हें बहुत अच्छे से रिप्लाई करा। बट अगर मैं फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाता तो क्या पता मैं ये जॉब नहीं क्रैक कर पाता, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन पूछते मेरे से एंड मैंने तो पढ़ा नहीं होता। तो इनकेस आपकी लाइफ में सेटबैक्स भी आए हैं तो आप उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, एक पॉजिटिव वे में लो। मेरे एक अटेम्प्ट लगा, दो अटेम्प्ट लगा, आप ये सोचो कि अगर आपके दो अटेम्प्ट लग गए तो आपने दो बार पढ़ा उन चीजों को। जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला उसने तो एक बार पढ़ के छोड़ गया, बट आपने उन्हें दो बार पढ़ा तो आप उससे ज्यादा नॉलेज वाले बंदे हो, और इन द लॉन्ग रन में आपके काम आएगा। तो ग्रेट ऋषभ। तो आप, बोलो यस बोलो सर, बोलो बोलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था एट लास्ट कि आपके जो भी फेलियर्स हैं आप उनको एज अ शेम मत लो, एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट करो एंड उनसे लर्न करो कि आपको इसमें क्या अच्छा मिला। क्योंकि एट वन पॉइंट आपके फर्स्ट अटेम्प्ट या आपका रैंक मैटर नहीं करेगा, आपकी नॉलेज मैटर करेगी एंड उसी के बेस पे ही आपको पैसे मिलने वाले हैं। राइट राइट। सो थैंक्स ऋषभ कि आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, और मैं 100% श्योर हूँ कि ये जर्नी वो सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा करेंगे जो जॉब के साथ सीएमए कोर्स को कर रहे हैं, और वो सब इस वीडियो को देखे, कुछ सीखे। और आई थिंक, और मेरे ऋषभ के लिए यही विश है कि आपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, अब आप लाइफ में वो सारी चीज़ें, आप जैसे होता है ना कि जब मैं सीएमए बनूंगा तो मैं प्राइस टैग नहीं देखूंगा, मेरा एक ही ड्रीम था, ठीक है? तो वो सारे ड्रीम्स आपके भी फुलफिल हो जो आपने अपने लाइफ में देखे हैं, सीएमए बनने के बाद ये सारी चीजें करूं, और आपकी फैमिली के भी सारे ड्रीम्स पूरे हो। थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग सर, थैंक एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय। यू सो मच, बाय सर, बाय एवरीवन।